तू अमीर हरम मैं फकीर अजम तेरे गुण और ये लब मैं तलब तलब तेरे गुण और ये लब मैं तलब तलब तू अता ही अता तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा इल्हाम है जामा तेरा ते मेरा दावा है समल जाओगी घर से जब नामे नबी लेके निकल जाओगी। मैंने माना कि हसी ताज महल है लेकिन गुम्बदे खजरा जो देखोगे मचल जाओगे। जब गुम्बदे खजरा का मिसाल नहीं है तो मेरे आका को कोई मिसाल क्या ला सकता है। माशाल्लाह किल्लत वक्त की बुनियाद पर मैं अपने सारे वक्तों को सिमेट कर अपने सारे अशार को सिमेट कर खतीब ज़ीशान हज़रत अल्लामा मुफ्ती मंज़र हसन खान किबला मिसबाही सरबराए फैज़ान ताजुल इस्लाम बम्बई तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनसे बड़ी तेज़ी के साथ इस शेर के साथ गुजारिश करूँगा कि मैं ये माना कि मेरी आवाज़ नहीं जाएगी दरो दीवार से टकरा के चली आएगी। अब भी मौका है कुछ तो अंधेरों का करो इलाज वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। आइए इसी माहौल में नारे तकबीर नारे रिसालत से हजरत का इस्तकबाल कर ले नारे तकबीर और बुलंद आवाज से हाथों को उठाकर फिजा में लहराकर नारे तकबीर नारे रिसाला उलमाए सुन्नत दारुल गरीब नवा खलीफे ताजुल इस्लाम नारे तकबीर नारे भाई जरा सलाम का जवाब तो जोर से दे। शांति नगर तो ज़रूर है ये मगर यहाँ शांति इतनी मत बनाइए कि सलाम का जवाब भी सुनाई नहीं दे। अस्सलामु अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आपके शांति नगर में डबल सलाम करना ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ला रसूलना अलल अंबिया जमीअ وجعل عليا سيد الأولياء وحسينا سيد الشهداء والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وابنه المخدوم الأشرف الذي زهد في سلطنة الدنيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار سبحان الله سبحان وقال الله تبارك وتعالى في مكان آخر وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا صدق الله مولانا العظيم। नहायत ही अदब व एहतराम के साथ इस शांति नगर के शांति वाले माहौल में स्टेज से लेकर पूरा मजमा बुलंद आवाज से जोर से पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अला नबी सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। स्टेज वाले भी पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बम्बई की सरजमीन पर पहली बार मजमा के लिए भी बेहतरीन चाय का इंतजाम देख रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मजीद चाहत अता फरमाए आमीन आमीन। अब मैं गुजारिश करूंगा कि इतनी बेहतरीन इंतज़ाम में जितनी जल्दी हो सके चाय पिला करके अलग हो जाएं ताकि लोग चाय के चक्कर में चाहत को ख़त्म नहीं करें और वो अजीमुशान तीन तीन शख्सियतें सुभान अल्लाह जोर से तीन तीन शख्सियतें
حضور سرکار قطب المشائخ کے جانشین سرکار تاج الاسلام سبحان اللہ فرزند غوث اعظم شہزادہ حضور غوث العالم پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت العلام الحاج الشاہ سید محمد نظام الدین اشرف الاشرفی الجیلانی تشریف لائے. سبحان اللہ سبحان ساتھ اللہ. ہی ساتھ خطیب خصوصی مقرر خصوصی گل گلزار اشرفیت نبیر حضور سرکار کلاں شہزادہ حضور شیخ اعظم حضور اشرف ملت حضرت العلام الحاج الشاہ سید محمد اشرف الاشرفی الجیلانی بھی تشریف لائے. اور ساتھ ہی ساتھ سرکار حضور قطب المشائخ کے نبیرہ جوان سال عالم ربانی فاضل جلیل حضرت العلام سید شاہ محمد عارف اشرف الاشرفی الجیلانی بھی تشریف لائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شانتی نگر والو اپنی قسمت پہ ناز کرو. کیا کہنا زور سے ذرا سا اپنی قسمت پہ ناز کرو. دار العلوم غریب نواز کے بانی قاری غلام حیدر صاحب اور ادارے کے لیے دونوں ہاتھ کو اٹھا کر کے دعائیں کرو. سبحان اللہ. کہ دار العلوم غریب نواز نے تمہیں صرف مولوی مولانا کو دیکھنے کا موقع نہیں دیا ہے بلکہ علی کے بیٹوں کو دیکھنے کا موقع دیا ہے. سبحان اللہ. زور سے اور سنو سنو بزرگوں کی زیارت عالموں کی زیارت سیدوں کی زیارت متقیوں کی زیارت نیک لوگوں کی زیارت آپ کے لیے دنیا کے لیے بھی راحت ہے قبر و حشر کے لیے بھی راحت ہے. کیا کہنا سبحان اللہ. آقا زادے آئیں گے تو بتا دوں گا مگر سنو اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ ہم اور آپ جہاں بیٹھے ہیں یہاں اپنے بچے کو دلہا نہیں بنایا جا رہا ہے یہاں قوم کے بچوں کو دلہا بنایا جا رہا ہے اور ایک دو کو نہیں نو نو تو درس شعبے حفظ سے ہیں اور اس کے علاوہ تقریباً چار جو ہیں یہ شعبے قرت سے ہیں دونوں ملاؤ نو اور چار تو 13. سبحان اللہ. زور سے 13 اور 13 رجب. زور سے بابا کا عرس یاد ہے پیر کا عرس یاد ہے عالم کا عرس یاد ہے. ارے میاں اگر جو بھیک نہ دے تو کوئی پیر و ولی نہ بن سکے اس علی کی پیدائش کی تاریخ ہے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر نعرے رسالہ ایک نعرے حیدری. زور سے میرے عزیز 13 13 حفاظ و قرہ کی دستار بندی کا یہ موقع ہے. آپ نے تو اپنے تعاون چندے کے ذریعے جو رقمیں دی ہوں گی وہ آپ کو معلوم مگر یہ کم بڑی بات نہیں کہ حضرت قاری غلام حیدر صاحب نے آپ کی دی ہوئی رقم کو کسی اور ادارے میں بچوں کو پڑھا کر کے قوم و ملت کے حفاظ و امام اور علماء قرہ کے لیے ایک ایسی ٹیم تیار کر کے دیا ہے آپ کو جو دنیا میں بھی آپ کے لیے جو ہے امان کا باعث ہے راحت کے لیے ہے قبر و حشر کے لیے آپ کے لیے راحت کا سامان. بیٹا مائک کا مسئلہ حل کرو یہ تو سیٹا سیٹی بلا مسئلہ رہے گا تو بد دسائی سے ہی بچ جائے. میرے عزیز تو آئیے ذرا سا قرآن کو دیکھیں. ایک مرتبہ علی کے 3 3 بیٹے آنے والے ہیں اس مولا کے نام پر اس اسد اللہ غالب کے نام پر امام المشارق والمغارب کے نام پر حلال المشکلات والنوائب کے نام پر اخر رسول زوج البطول کے نام پر
अपने दोनों हाथों को उठा करके बोलो या अली। स्टेज वाले भी उठाए बेटा, हम ही लोग के लिए तो पहले जरूरी है, वरना स्टेज वाले सुनो नारे उठ जाए, नबी की महफिल में आले नबी आ रहे हैं, खड़े हो जाए, बिल्कुल खड़े हो जाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबीरे हुजूर कुतुबुल मशाइख, शहजादे गौसे आजम। चेहरा देखो, बैठ जाए, क्या ये चेहरा देख के नहीं लगता? जोर से, जोर से, जोर से कि 1300 साल के बाद भी अली का बेटा ऐसा है, जोर से, अली का खानदान ऐसा है। अरे जब घर का बच्चा ऐसा है अली का, तो मेरा अली कैसा होगा? सुनो, दो दो इमाम हैं। ए बेटा अभी तेरी भी बारी आने वाली, सर साइड हो। दो दो इमाम हैं, कितने? दो। कितने इमाम? दो। अब मैं नहीं बोलता, कुरान कह रहा है वजअलनाहुम अइम्मतन यदउन इलन्नार। बाज इमाम ऐसे हैं जो लोगों को, अपने मुक्तदियों को, पीछे चलने वालों को जहन्नम की तरफ ले जाते हैं, और बाज ऐसे हैं कि जो अपने साथ वालों को अल्लाह के हुक्म की तरफ रहनुमाई करते हैं, और सुनो जो जहन्नम की तरफ ले जाए वो भी पेशवा है, जो जन्नत की तरफ ले जाए वो भी पेशवा है। और इंसान की फितरत में है वो किसी न किसी की तकलीद, किसी न किसी के पीछे जरूर चलना चाहता है। और सुनो, सिर्फ दुनिया में नहीं, कयामत के दिन भी तुम्हें इमामों के साथ बुलाया जाएगा, पेशवाओं के साथ बुलाया जाएगा। ये भी कुरान में है, कुरान कहता है यौम नदउ कुल्ल उनासिम बि इमामिहिम, जिस दिन हम तमाम लोगों को, हर एक को उनके इमामों पेशवा के साथ बुलाएंगे। ए सुन्नियो तो सुनो, सुनो, इसीलिए तो मैं कहता हूं तुम लड़ते क्यों हो, झगड़ते क्यों हो? कोई ये कहे कि यजीद जन्नती है, लड़ाई मत करना, कोई ये कहे वो हक पर था, लड़ाई मत करना। सुन लो, जो यजीद को जन्नती बनाए, समझ लेना वो यजीद को अपना पेशवा बनाया है। यजीद भी जहन्नम में, उसके साथ चलने वाला भी जहन्नम में, और हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं। मेरा हुसैन सिर्फ जन्नती नहीं, अरे जन्नती जवानों का सरदार है, और हुसैन का बाबा जन्नती बांटने वाला है। जोर से, अभी तक आवाज नहीं आ पा रही, जोर से, जन्नत कौन बांटेगा? हुसैन के बाबा बांटेंगे, हुसैन के। एक चीज आ रहा, अल्लामा सालिक साहब इधर, शहजादे गौसे आजम कदम नास को चूमकर हसन अशरफी मिसबाही अर्ज करता है, अगर किसी इलाके में कोई शख्स ये ऐलान कर दे कि रात को 12 बजे शांति नगर के शांत माहौल में दारुल उलूम गरीब नवाज के सामने 12 बजे रात को फीरी में 2 किलो आलू दिया जाएगा, बांटा जाएगा, 2 किलो। तो सुन लीजिए, मैं नहीं समझता हूं कि इतनी ही गर्दी रहेगी, इससे 10 गुना भी गर्दी हो सकती है। आ भाई, फ्री का माल कौन लेना नहीं चाहता? प्याज 100 रुपया था, 200 रुपया पहुंच जाएंगे कि नहीं? किसके पास? जो बांट रहा है उसके पास, जो बांट रहा है उसके पास। बिला तशबी 2 रुपया 10 रुपया 100 रुपया बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। अरे क्या
आ रहे हैं। ऐसा है आलू की दुकान पे भीड़ लगती है ना भाई, सब भीड़ लगा देते फ्री में लेने को। सुनियो एक ऐसी जगह बता देता हूं जहां आलू वगैरह का मसला नहीं है, हमारे आपके आखिरत का मसला है। जोर से, आखिरत का मसला है। आका अलैहि वालिही वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उलमा उलमा सुने, या आलू अचालू का मसला नहीं है, ना ओलाइल ना मोबाइल, वरना लोग भीड़ लगा दे, यहां तो आखिरत का खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर शेख आजम, हुजूर अशरफ मिल्लत, नारे हुजूर अशरफ मिल्लत, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, शहजादगाने गौसे आजम जिंदाबाद, हुजूर सरकार ताजुल इस्लाम जिंदाबाद, हुजूर सरकार अशरफ मिल्लत जिंदाबाद, हुजूर सरकार सैयद मोहम्मद आरफ अशरफ जिंदाबाद, शहजादगाने हुजूर गौसे आजम जिंदाबाद, औलादे रसूल जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। बिल्कुल बैठ जाए, आज सिर्फ बैठे नहीं रहे, दारुल उलूम गरीब नवाज के बानी कारी गुलाम हैदर साहब के लिए दुआ भी करें कि उन्होंने हमें मौलवी साहब लोगों को नहीं, मौला की आल को देखने का मौका दिया है, अली के बेटों की जियारत का मौका दिया है। मेरे आका इशाद फरमाते हैं, अंत कसीबुल जन्नत वन्नार, अली तू जन्नत और दोजख को बांटने वाला है। मेरे अजीज तो सुनो, जन्नत लेनी है तो सिर्फ सजदा न करो, सजदों के साथ साथ अली मौला का विर्द भी करते रहो। जोर से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सुनो मेरे अजीज, अल्लाह का फजल करम है कि आज हमर आप दो चार घंटा सफर कर लें तो फिर तो पूछिए मत, मगर आप ये दोनों नूरानी शख्सियतों को जो देख रहे हैं, सुबह को निकले हैं और यहाँ 8:30-9 बजे पहुंचे हैं, मगर उसके बावजूद अपने मुरीदों को आशिकों को छोड़ करके गेट बंद कर रहा था मैं, हजरत ने कहा गेट खुला रखो, लोग दूर दराज से आते हैं, मिलने की ख्वाहिश होती है, वो और पीर होंगे जो आराम तलब हो, ये नबी का खानदान है, ये खुदा की कसम इनकी नजरें मुर्मती की नबियों के खानदान के और उनकी अमानतों के अमीर हैं, ये वो घराना है कि इनकी नजरें जो हैं किसी के जेब पर नहीं बल्कि इनकी नजरें जो हैं उम्मत के नसीब पर हुआ करती है। मेरे प्यारे नबी के प्यारे दीवानों, ये नबी का खानदान है, गौसो खाजा का खानदान है। आज बैठ जाए, अब बगैर किसी तमहीद के नबी रहे हुजूर कुतुबुल मशायख, जोर से 1400 साल के बाद भी देखो क्या मुकाबला हो सकता है इस खानदान का, खुदा की कसम कोई मुकाबला नहीं। जहां चले जाएं ना पोस्टर ना बैनर किसी की जरूरत नहीं है, लाखों के मजमा में भी देखो तो दिल कहता है नबी ज्यादा आया है, क्या बात है, हुसैन का घराना आया है, हसनैन का घराना आया है, सैयदजादे आए हैं, मौला अली के दुलारे आए हैं, गौसे आजम का खून आया है, मखदूम अशरफ की अमानतों के अमीन आए हैं, गरीब नवाज के चिश्ती फैजान और जाम को पिलाने के लिए आए हैं। ये दारुल उलूम गरीब नवाज, ये आपका इदारा है, नौ नौ हुफाज किराम, चार चार कुर्रा की दस्तार बंदी, कुल मिलाकर के 13 अल्लाह का फजल है, 13 इसलिए मौला अली की तारीख पैदाइश की तरफ इशारा है, अल्लाह कबूल फरमाए। अब मैं यह अर्ज करना चाहता हूं, उर्से कुतुबुल मशायख के मौके पर क्यों दस्तार बंदी होती है, सैयद हसन साहब भी माशाल्लाह, क्यों दस्तार बंदी, भिवंडी में भी इंशाल्लाह कल घाट कोपर में भी, तो सुनिए, इसलिए उर्से कुतुबुल मशायख के मौके पर दस्तार बंदी का एहतमाम होता है ताकि मदरसा से पढ़ करके हाफिज जी कारी साहब निकले तो सीना टाइट करके मैं हाफिज मैं कारी की रट ना लगाए, मौलवी बन के ना घूमे, बल्कि इस उर्स के मौके पर दस्तार देकर
کہ تم مولوی بنانے کے لیے نہیں نکالے گئے ہو, مولا علی کے سچے غلام بنا کے نکالے گئے ہو. اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ.